BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने। या अन्य किसी भी पार्टी में बेहद ही सस्ता व होलसेल दामों में मुर्गा खरीदने के लिए संपर्क करें माही पोल्ट्री फार्म तड़वा। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं। आपको बता दें कि अगर आप भी बालों के झड़ने के समस्याओं से परेशान है या चेहरे के धब्बे से परेशान है तो अब सिवान में बिल्कुल ये ट्रीटमेंट संभव है और बेहद ही अच्छे तरीके से संभव है। क्योंकि सिवान में BH नासिर साहब आ चुके हैं और इनका क्लिनिक आपको बता दें भारत हॉस्पिटल में हुसैनी मोड़ पर है और बेहतरीन हॉस्पिटल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो रहा है और कैसे हो रहा है, कैसे चेहरे का जो धब्बा होता है, दाग होता है या फिर जो स्किन धूप में जल जाता है उसको कैसे ठीक करें या फिर जिनका बाल झड़ रहा है, परेशान है, इस पर विशेषकर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। ये जो ट्रीटमेंट आप करते हैं स्किन को लेकर, खासकर पहले उस पर हम बात करें। देखिए, स्किन का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ एज MD डर्मेटोलॉजिस्ट जो डे टू डे स्किन के जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सोरियासिस हो गया, फंगल इन्फेक्शंस हैं, अर्टिकेरिया है, ये सब तो है ही, रूटीन केसेस जो डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं। साथ साथ में एस्थेटिक्स के हमारे पास बेहतर फैसिलिटी अवेलेबल है सिवान में। आप जैसे कि देख रहे हैं ये मशीन जो है हमारे पास मीरा पील की मशीन है, हाइड्राफेशियल मशीन है, दो मशीन साथ में हमारे पास है, यूजुअली जो बड़े शहरों में अवेलेबल है। इससे पहले हम दिल्ली में काम करते थे, वहाँ पे ये मशीन हमारे सेंटर पे हुआ करती थी। सिवान के लिए डेफिनेटली ये पहली बार है। दिल्ली में देखा गया काफ़ी प्रचलन है, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल लोग करते हैं क्योंकि चेहरा को लेकर लोग काफ़ी अपना सीरियस रहते हैं। हाँ, चेहरा खूबसूरती को लेकर के अब डे बाई डे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। फीमेल में डेफिनेटली ज़्यादा है, मेल में कम है, बट बढ़ रहे हैं और बड़े शहरों में इस चीज़ के प्रति ज़्यादा लोग जागरूक हैं। तो मुझे लगता है कि सिवान में ये फैसिलिटी पहले अवेलेबल नहीं थी, अब स्टार्ट है, तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोग ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, इसका क्या प्रोसेस है और ये कितने दिनों का होता है? मतलब कई बार महीने में कराना पड़ता है ताकि चेहरे पे लाइट आए, मतलब कुछ उसका असर दिखे कि हमने कुछ कराया है तो चेहरा साफ दिख रहा है। देखिए, ये मशीन बेसिकली एक डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा ही ऑपरेट होना चाहिए जिसे ये पता है कि स्किन का थिकनेस, डेप्थ और एनाटॉमी, फिजियोलॉजी क्या है। मशीन क्या करती है कि ये पहले तो ये डीप क्लींजिंग करते हैं, चेहरे पे हमारी जो गंदगी बैठी हुई है डे बाय डे के इश्यूज, सारा चीज़ को डीप क्लींजिंग करते हैं। उसके बाद से ये जो है लिम्फैटिक्स, तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है चेहरे का वो बेहतर होता है। फिर उसके बाद साथ साथ में हम लोग जो हैं तीन तरह का अलग अलग पील होता है जिसको बोलते हैं, अलग अलग स्किन के लेवल को आप वो टच करते हैं, एक्सफोलिएट एक चीज़ होता है वो करते हैं, जिसके बाद जो है फाइनल रिजल्ट में चेहरा में पहला तो ये है कि जिस तरह का धब्बा वगैरह अगर आना शुरू होता है, दोनों तरफ से दाग पड़ने लगता है, उसमें कमी आ जाती है, ठीक हो जाता है। उसके बाद से चेहरे में टाइटनिंग आ जाती है, ग्लो आने लगता है, तो लगता है कि उम्र कम दिखने लगा, तो ये चीज़ का मसला होने लगता है जिससे ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब रही बात कि कितना सेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, हम लोग रिकमेंड करते हैं जनरली 2 सप्ताह या 3 सप्ताह के अंतर पे अगर 3 या 4 बार किया जाए। देखिए, हर केस अलग होता है मेडिकल में, तो देखना पड़े, अगर कोई यंग लड़की है जो शादी से पहले वो लोग आते हैं, 25-20 का एज है, तो उनको 3 सेशन से काम चल जाता है, उनका फेस पे ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई 45-50 का आया तो उसको 4 या 5 सेशन करना पड़ता है, ये चीज़ है इसमें। अच्छा, अभी जिनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर इनका एक फ़ोटो ले लिया जाए अभी जी और पूरे 1 महीना के ट्रीटमेंट के बाद अगर फिर से इनका फोटो लिया जाए तो कुछ अंतर दिखेगा? कितना अंतर? हम 1.5 महीने का आपको समय, 3 सेशन कम से कम हम चाहेंगे करना, आपको इतना अंतर होगा। 15 दिनों का एक सेशन? जी 15 दिन पे एक बार करते हैं, तो 3 दफ़ा ले लीजिए, आपको चेहरे में ड्रास्टिक फर्क दिखने लगता है। खुद पेशेंट बोलते हैं कि नहीं, पहले जो है बहुत धूप से जला हुआ लगता था, अब जो है चेहरे पे ग्लो आया है, स्किन जो है शाइन करने लगा है, टाइटनिंग फील होता है, जिससे लगता है यूथफुल आलनेस लगता है, एज में कमी जैसा झलकने लगता है। अच्छा, एक चीज और देखा जाता है, छाई और झुर्री जो यहाँ पे चेहरे पे बनता है, क्या उसको भी ठीक किया जा सकता है? देखिए, इस मशीन कई सारे क्रीम का लोग इस्तेमाल करते हैं, बावजूद इसके हमने देखा है कि वो ठीक नहीं होता है। देखिए, अगर सही क्रीम अप्लाई किया जाए और साथ में ये प्रोसीड्यूर अगर 3 बार या 4 दफा किया जाए तो मुझे लगता है कि पेशेंट का सेटिस्फेक्शन का लेवल बहुत हाई हो जाएगा, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, जो बाल झड़ने से परेशान है उनके लिए भी क्या ट्रीटमेंट है?
देखिए, बाल झड़ने के लिए मेल का बहुत बड़ा इशू है। अब तो 25-30 के उम्र में ही बाल झड़ने लग रहा है। हमारे पास ऑफ कोर्स मेडिकल ट्रीटमेंट है, हम लोग दवा देते हैं, दवा के साथ साथ हमारे पास इंजेक्शंस, जिसको हम लोग प्लेटलेट-रिच प्लाज्मा बोलते हैं, वो इंजेक्शंस हम प्रिपेयर करके और ख़ुद हम अपने से देते हैं, कहाँ देना चाहिए, कितना देना चाहिए। वो सेशन भी हमको लगता है 4 या 5 बार करने पर करीब करीब 80-90% बाल फिर वापस ग्रो हो जाता है। किसी किसी केस में 100% भी अच्छा रिजल्ट होता है उसमें। साथ ही साथ जो बाल वाइट होने लगता है उसमें भी बहुत फायदा होता है उसको अगर कर दिया। कई सारे लोग इस वीडियो को जो देख रहे हैं सोच रहे होंगे कि खर्च बहुत ज़्यादा आता होगा, तो क्या उनके बजट में, हालांकि हम आपसे प्राइस तो नहीं पूछा कितना लगेगा, लेकिन क्या बजट में होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देख के सोच सकते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा खर्च लगता होगा। देखिए, दिल्ली बॉम्बे की चीज़ सिवान में ला रहे हैं, लेकिन हमको सिवान के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। यहाँ की पेइंग कैपेसिटी बिल्कुल कम है। हम पूरी कोशिश है कि मिनिमम कम से कम खर्च में इस चीज़ को अपने लोगों के लिए बेनिफिट हो। मशीन का कॉस्ट कुछ वक्त में धीरे धीरे होगा, कोई अर्जेंट नहीं। चलिए, तो अगर आप स्किन से परेशान हैं, अपने स्किन पे जो काले धब्बे पड़ जाते हैं उससे परेशान हैं, या फिर आपका बाल झड़ रहा है, या फिर आपका बाल कमज़ोर हो गया इससे परेशान है, तो एक बार आपको इस क्लिनिक पर ज़रूर आना चाहिए, बीएस नासिर साहब से मिलना चाहिए। इससे पहले दिल्ली में काम करते थे और अब आपके सिवान में ये सेवा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार आपको यहाँ आना चाहिए और इनसे मिलना चाहिए और मिल के आपको राय लेकर यहाँ से आप अपना इलाज करा सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इन्होंने भरोसा जो दिलाया है कि 3 महीने 3 बार में, यानी कि 15-15 दिनों का जो सेशन होता है, अगर 3 सेशन आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो चेहरा है उस पर आपको लाइट देखने को मिलेगा। ये चीज़ है। और आपको बता दें, अगर यहाँ आप पहुँचना चाहते हैं तो ये आपको हॉस्पिटल रोड में आना पड़ेगा, बिंदुसार जो रोड है हुसैनी मोड़ पे डॉक्टर साहब का अस्पताल है, भारत हॉस्पिटल, और भारत हॉस्पिटल में ही डॉक्टर साहब आपको मिलेंगे। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्र ढाला ओवर ब्रिज के नीचे सिवान।